चलो के लिए स्टार्ट फाइनली, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक। कुछ गुड मॉर्निंग मैसेज उधर से भी है, कुछ लॉगिन अभी भी हो रहे हैं। अनुषा ऑन द पाइपलाइन, घर से प्रणाम। आजकल देसी हो गया बहुत लोग, क्या हो गया। और हर्षित कल छुट्टी है? अर्णव एस कल स्कूल है? कल कोई छुट्टी नहीं है पर मंडे है। मंडे इज व्हाट आई हर्ड, बट कल कोई छुट्टी नहीं है, तो देयरफॉर डोंट एक्सपेक्ट राइट नाउ। अंश हैज आस्क्ड कि क्या आज हम सीपीटी डिस्कस करेंगे? नहीं, आज का एजेंडा थोड़ा अलग है। आज हम लोग करेंगे ग्रेविटेशन, सीपीटी अगर होगा तो कल डिस्कस करेंगे। नहीं, कर लेंगे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस। वैसे मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि जो बाकी क्वेश्चंस है वो एक बार ट्राई कर लो, जो भी नहीं किया होंगे। अच्छा, उसका पीडीएफ चाहिए? चलो, कैसे मिलेगा? अच्छा, बना रखे हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं अभी देख लूंगा, ठीक है ना। चलो एनीवे, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज वो जो मैंने कल कैविटी का क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। जनरलाइज कैसे? उस दिन मैंने कैविटी का क्वेश्चन दिया था जिसमें हमने रेडियस लिया था आधा। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई मासूम नहीं। मतलब क्या कि अगर मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, मान लो, और कोई भी कैविटी बना दो, जैसे एक यहां पे कैविटी बना देता हूं, ठीक है, तो बाकी तो मास है। तो देखना, इस कैविटी के अंदर भी ई यूनिफॉर्म होगा, ई यूनिफॉर्म होगा। अब ये मैंने ऐसे फैक्ट स्टेट किया, अभी प्रूफ तो नहीं किया है ये, तो इसलिए सबसे पहले तो इसको जो है प्रूव करने की कोशिश करता हूं मैं। और इसके लिए थोड़ा सा जो है ना, हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में चले जाते हैं जो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, उससे क्या होगा, थोड़ा एक बेटर आइडिया बनेगा। तो उस दिन मैंने बोला था कि ये अगर कैविटी होता है, इन दैट केस हमने कई जगह इन्वेस्टिगेट किया और देखा कि जो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता था वो हर जगह कहीं पे मिले, एटलीस्ट इन लाइन, इस लाइन पे हमने चेक किया था। फॉर्मूला आया था, आई थिंक जीएम बाई टू आर स्क्वायर, ये आया था। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे भी देखते हैं, तो यहां पे भी अगर हम देखें तो कैसे फील्ड होगा। मैं एक तो इस सॉलिड के वैसे होगा इस तरफ, उसके दो कंपोनेंट होंगे ऐसे और ऐसे, और क्योंकि हम इसको नेगेटिव मास मान रहे हैं, तो देखो देयर विल बी रिपल्शन ड्यू टू दिस मास, तो वो हो जाएगा ऐसे। अब देखा जाए कि इसके कंपोनेंट्स कैसे बन गए। जैसे अगर तुम इसका देखोगे तो क्या होगा ना, फॉर्मूला क्या है, जी एम, ये कैपिटल एम ले लेते, जी एम आर बाय आर क्यू, याद आ रहा है? तो आर बोलते क्या होगा ना, ये आर बाय टू है तो ये भी आर बाय टू होगा, तो ये हो जाएगा रूट टू टाइम्स आर बाय टू, यानी आर बाय रूट। ओके, तो ये जो कॉम्पोनेंट हुआ, अगर मैं इसको सपोज कुछ E1 लेता हूं, तो E1 क्या हो जाएगा, जी एम आर बाय रूट टू, तो R लिख देता हूं मैं, R क्यूब और रूट टू, यानी कितना हो गया, जी एम बाय रूट टू आर स्क्वायर। हो गया, ये तो 45 डिग्री हो गया, यानी क्योंकि ये तो इक्वल है ना, ये भी R बाय टू, ये भी R बाय टू, 45 डिग्री हो गया। तो जो एक कॉम्पोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा ना, यानी फाइनली अगर मुझे E1 को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो माइनस 1 बाय रूट टू आई कैप माइनस 1 बाय रूट टू जे कैप, याद है? अब अगर मैं इसका देखता हूं ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा ना, इसको अगर मैं ई टू लिखता हूं लेट्स से, तो ई टू कितना आ रहा है, जी एम आर, आर बोलते सॉरी एम नहीं, एम बाई एट, तो एम बाई एट, और क्योंकि इसके तो एकदम सरफेस पे है नहीं, तो कितना होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, तो कितना आ रहा है, जी एम बाई टू आर स्क्वायर। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो उसका कंपोनेंट हो जाएगा जे कैप, जे कैप। ये मैं नेगेटिव मास की बात कर रहा हूं, तो ये जो नेगेटिव मास, इमेजिनरी नेगेटिव मास, उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, जे कैप हो रहा है।
और इसका जरा कैलकुलेट करो, ये भी देखो माइनस वन बाई रूट टू और रूट टू मिलके वन बाई टू है, और वही देखो जीएम बाई टू आर स्क्वायर माइनस जे का, और ये हो गया जीएम बाई टू आर स्क्वायर प्लस जे का, तो जे वाला सारा खत्म हो गया, बचा कौन सा आई वाला, कितना आ रहा है देखो रूट टू मिला के टू आ रहा है, यानी कितना आ गया फाइनली बस फाइनली ई आ गया एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे ई एट पॉइंट पी माइनस ऑफ जीएम बाई, और इंटरेस्टिंगली यही ई आया था हर पॉइंट पे, हमने पहले तो दो तीन वेंटेज पॉइंट्स पे सिलेक्ट करके सर्च किया था, फिर बाद में एक्स लेके भी किया था याद है ये, लेकिन इससे ना ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट चीज होता है कि अगर मैं कहूंगा कि कहीं पे भी कैविटी बना लो, कुछ भी कैविटी बना लो, देखो अब मैंने r/2 ले लिया, इनफैक्ट मैंने अभी x एक्सिस पे भी ले लिया, मैंने बीच में कोई पॉइंट नहीं, अब मैं इसमें भी क्लेम कर रहा हूं कि इसके अंदर भी फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगा, तो दैट मेक्स इट मोर डिस्कशन, क्योंकि ये जो कैविटी है ना ये थोड़ा स्पेशल कैविटी है, स्पेशली दिस इज कि थोड़ा सिंपलीफाइड है, क्यों, एक तो सिमेट्री है कैसे ना r/2 है, अब इसका तो पता भी नहीं क्या रेडियस है, दैट्स नंबर 1, नंबर 2 इज दैट इसका सेंटर बिल्कुल एक्स एक्सिस पे है, तो कहीं ऐसे तो नहीं है, देखो जब शक करेंगे तो वक्त तरीके से करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो मैं बता रहा हूँ यूनिफॉर्म फील्ड ये सिर्फ सिमेट्रिकल केस में हो, ये तो एसिमेट्रिकल टाइप का केस होगी, ये कैविटी कोई एक्स एक्सिस और एक्सिस के सिमेट्रिकल पॉइंट पे तो है, तो देयरफॉर इफ आई मेक अ क्लेम कि इस कैविटी में भी फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगा तो देन आई नीड अ लिटिल बिट मोर सब्सटेंशिएशन, मतलब इसको मैं इतना जल्दी जो है विदाउट एनी रीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट, तो उसके लिए पता है मैं क्या करूंगा, मैं इंटरनल पॉइंट पे कोई सा भी पॉइंट, ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूं, ठीक है ना, कैसे, तो मैं एक काम करता हूं, ये जो m है मैं इसको लिख देता हूं एज 4 बाय 3 पाई r क्यूब इनटू रो, तो e इनसाइड का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, सो देयरफॉर e इनसाइड विल बिकम इक्वल टू g स्मॉल r बाय r क्यूब इनटू 4 बाय 3 पाई r क्यूब रो, तो r क्यूब से कैंसिल हो गया यानी कितना बन गया 4 बाय 3 पाई g रो, चलो यहां तक तो कांस्टेंट है इनटू r, ठीक है, एक और काम मैं करना चाहता हूं वो भी सुनो, क्या कि मैं ना जैसे मान लो इंटरनल पॉइंट के लिए सपोज मुझे यहां पे इंटेंसिटी निकालनी किसी भी पॉइंट पे, मतलब मान लो ये हो गया सपोज r वेक्टर, तो इसको मैं जो है ना वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो क्या लिखना चाहिए एक बार खुद लिखो, पहले 10-20 सेकंड लगाओ, ये जो फॉर्मूला अभी जनरेट हुआ है 4 बाय 3 पाई जी रो आर, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो क्या लिखना चाहिए, मतलब वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या, वेक्टर फॉर्म का मतलब कि अगर अर्थ है या फॉर दैट मैटर एनी सॉलिड स्फीयर है तो सेंटर से कोई भी पॉइंट ले लो तो वो जो जॉइनिंग का जो वेक्टर होता है वो सपोज है आर वेक्टर, तो उस आर वेक्टर के टर्म्स में मुझे वहां का फील्ड इंटेंसिटी लिखना है, तो क्या क्या लिखो वेक्टर फॉर्म में लिखो, क्या हो जाएगा, देखो वेक्टर फॉर्म में लिखो, देखो कई बार ना कुछ चीजें हम लोग थोड़ा ज्यादा सोच लेते हैं, कुछ सोचने का है ही नहीं, जस्ट राइट डाउन माइनस 4 बाय 3 पाई जी रो आर, क्योंकि अगर मान लो तुम यहां पे ज्वाइन करते हो ये आर वेक्टर, तो जिधर आर वेक्टर है अट्रैक्ट करेगा ना towards the center, तो यानी r vector को उठा, बस that's it, यानी क्या कर रहे हैं, minus डाल दो r vector, तो उससे direction आ गया, बाकी तो magnitude नहीं पूरा carry करेगा, नहीं बाकी तो बस भी constant है, rho, g, pi, 4, 3 सब constant है, बचा क्या है, r vector, तो उससे क्या होगा direction, decide, चलो ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये बड़ा important conclusion है, क्योंकि ये बड़ा help करेगा मुझे, देखो,
क्योंकि मैं जो चाह रहा हूँ वो है जनरल। अभी तो हमने किया था ना ये वाला कैविटी जो अभी मैंने मिटा दिया वो थोड़ा स्पेशल कैविटी, तो हो सकता है कि वो आर बाई टू होने के कारण, एक्स एक्सिस पे सेंटर होने के कारण, हो सकता है बाय चांस वो फ्री इंडस्ट्री यूनिफॉर्म है और आप जनरल कैविटी में शायद ना, इसलिए अगर मुझे क्लेम करना है तो मुझे प्रूफ भी करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेटिंग राइट नाउ एंड दैट इज ट्राइंग टू प्रूव कि हां ये होगा। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, कुछ वेक्टर्स डिफाइन कर देता हूं पहले, थोड़ा फिगर को बड़ा कर देता हूं सो दैट वी कैन हैव अ बेटर डिस्कशन। ये हो गया। मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक लेता हूं कैविटी, उसका जो सेंटर है उसका नाम दे देता हूं एस आर सी, या चलो ठीक है आर सी, ठीक है। ये पूरा कैविटी, ये बाकी जो है मास वाला है बस यहां पर कैविटी है। और मैं किसी भी पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं टू नो द फील्ड इंटेंसिटी, तो मैं उस पॉइंट पर लिख देता हूं सपोज आर वेक्टर, ये इस पॉइंट पे मैं इंटरेस्टेड हूं, तो ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो ये हो गया आर पी वेक्टर। तो आर पी इज द पॉइंट वेयर आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द इंटेंसिटी। ओके चल, तो दोनों की सेम नहीं होगी कौन से आर पी और पी पॉइंट और सेंटर की इंटेंसिटी? नहीं नहीं वो तो होगा, वो तो मैं क्लेम कर रहा हूँ, बट और तुम शायद कन्विंस भी हो गए कि वो अलग बात है, बट अगर बोलो प्रूव करो तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज अ जनरलाइज्ड प्रूफ कि कहीं पे भी कैविटी रखो और उस कैविटी के अंदर कहीं पे भी पॉइंट ले लो, देखना फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म। लेकिन देखो यूनिफॉर्म डज नॉट आंसर द क्वेश्चन फुल्ली, कितना होगा अगर मैं पूछूंगा तो, यानी द क्वेश्चन इज स्टिल ओपन है ना। तो चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट। अच्छा ये अगर आप ही हो गया और इस सेंटर से ये जो पॉइंट है इसका भी कुछ नाम दे देता हूं, लेट्स से आर ए व्हाटएवर, ठीक है। चलो अब मैं इंटेंसिटी उस पॉइंट पे यानी पी पॉइंट पे ड्यू टू, ओके इसको भी डालना सही है, पर चलो कोई बात नहीं, ड्यू टू इंटेंसिटी एट पी निकालना है। तो मैं कह रहा हूं कि इंटेंसिटी एट पी इज ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ एम मास प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस एम बाय एट मास। चलो ठीक है, तो ये कितना आएगा मैं देखो, आरपी के वैसे क्या आएगा उसका r by 2 ही है माइनस g m सॉरी g 4 by 3 pi 4 by 3 pi g rho r p। अगर मान लो ये पूरा सॉलिड स्फीयर होता तो r p पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होता उसका कैलकुलेशन नहीं किया, प्लस ये m by 8 के वजह से, यानी यहाँ पे डेंसिटी मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, ओके? m by 8 भी होगा, हाँ? m by 8 भी होगा। अच्छा सॉरी, मैंने गलती किया, गलत किया, मैं ऊपर सही पॉइंट नोट किया। तो एक काम करो, e due to positive mass, e due to negative mass, सही पॉइंट नोट किया, क्योंकि मैंने तो खुद ही बोला कि कैविटी जो मर्जी साइज कर ले रहा हूँ, तो m by 8 लिखना नहीं चाहिए था, मैंने गलती की। चलो कोई बात, खैर उसका मैं कोई यूज नहीं करने वाला था, मैं तो रो के टर्म्स में कर रहा हूँ, बट लिखा जो था वो गलत। अब क्या देखो, ये नेगेटिव मास की वजह से क्या हुआ ना, इसका डेंसिटी तो चलो माइनस है ही है, प्लस क्या है कि माइनस ऑफ 4 बाय 3 पाई जी माइनस रो है ना आर की जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ रहा इज इक्वल टू, अब 4 by 3 pi g rho, ये तो वैसे भी कैंसिल वो होने वाला है, तो मैं माइनस को भी कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आ रहा देखो आर पी है ना, और क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो याद आएगा माइनस आर ए, ठीक है।
इक्वल टू माइनस ऑफ 4 बाय 3 पाई 0. अब बताओ कैन आई से आर सी प्लस आर ए जुड़ आर बी. तो ये ट्राइंगल हो, ट्राइंगल लॉ से पता चल रहा है कि आर सी प्लस आर ए इज इक्वल टू आर बी. तो देयरफॉर आर पी माइनस आर ए जुड़ आर सी. तो देखो दिस विल बिकम आर सी यानी ये जो P है, P is an arbitrary point inside the cavity. लेकिन जरा ध्यान से देखो, P point के intensity, P point के position से independent है. किस पे depend कर रहा? Cavity के sector. Okay? यानी इससे क्या conclusions हो रहा? Number one. So now the conclusions. Conclusion number one, and that is E at P is independent of RP as long as it is inside cavity. As long as it is inside cavity. Number two is that the magnitude of intensity at P depends only on the center of the cavity. Depends only on the center of cavity. That's it. Depends only on the center of the cavity. ये दो major conclusions हम इससे कर सकते हैं. कौन सा? वो सबसे ऊपर. ये? इसे vector format हो गया. हाँ वो तो अपने सिंगल फील्ड वेक्टर है. अगर दो जने contribute कर रहे वेक्टर में तो हम superposition principle लगा. तो ये दो मेजर कंक्लूजन्स आ रहा है. एक तो इस पूरे कैविटी के अंदर फील्ड का जो है यूनिफॉर्म वो होगा बिहेवियर. दूसरी बात ये कि फील्ड का यूनिफॉर्म बिहेवियर तो चलो समझ आ गया. मैग्नीट्यूड क्या होगा वो किससे डिपेंड करेगा? वो कैविटी के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा. हैव यू नोटेड वन मोर थिंग? इधर वो कैविटी का साइज का जो रेडियस है, सपोज उसका रेडियस सपोज कुछ सी है, अच्छा सी तो ऑलरेडी लिया है, कुछ आर डैश ले लो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द कैविटी. ठीक है? यानी थर्ड फीचर, अब जगह तो बिल्कुल नहीं है, इट इज द ई मैग्नीट्यूड, ई का जो मॉड है इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ कैविटी. तो किस पे डिपेंड कर रहा है? ओनली ऑन द पोजीशन ऑफ द कैविटी. ठीक है? तो यानी ई मैग्नीट्यूड इज डिपेंडेंट ओनली ऑन पोजीशन ऑफ कैविटी. अच्छा वो एक्चुअली लिखा ही है, चलो हम मैग्नीट्यूड छोड़, मैं इसको डायरेक्शन लिख देता हूं. ठीक है? यानी डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इनसाइड द कैविटी एट पॉइंट पी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द कैविटी. पोजीशन ऑफ सेंटर. ठीक है? सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स दैट एनी कैविटी विल फॉलो. Is that okay? But अभी रुको, सारा कुछ खत्म नहीं हुआ. Suppose there is a second cavity. अब मेरे सवाल का जवाब, फिर तुम लोग भी आंसर करना. At the other end, कई बार उनको देखना ही भूल जाता हूँ. तो अगर मान लो एक second cavity कर दिया, अगर मैं एक second cavity भी मैं डाल देता हूँ, in that case, इनमें से क्या-क्या changes होंगे? या सब कुछ बदल जाएगा? कुछ भी consistent नहीं रहेगा? या कुछ मॉडिफाई करके कंसिस्टेंट होगा?
यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये सारे सवालों का जवाब। सपोज मैंने एक सेकंड कैविटी भी ले लिया और अब मैंने इस कैविटी में एक पॉइंट लिया, मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, इस कैविटी में पॉइंट ले सकता हूँ, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट इज स्टिल द कंसेप्ट ऑफ। अब मैं पूछ रहा हूँ बताओ इस पॉइंट पे फील्ड का नेचर में मेजर चेंज हो जाएगा या ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस थोड़ा थोड़े माइनर चेंजेस हैं। सेकंड पॉइंट गलत हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ, अच्छा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट वन, पॉइंट वन में क्या चेंज आएगा? ओके, देह में लास्ट क्वेश्चन की वो स्मॉल कैविटी का रेडियस r by 2 है क्या? वो नहीं है, वो मैंने गलत लिखा था और हाँ देव ने वो पॉइंट आउट कर दिया, तो इसलिए मैंने देखा होगा मैंने चेंज करके माइनस कर दिया, ठीक है ना, वो मैंने गलती से। चलो और कोई क्वेश्चन तो नहीं इधर से, स्कूल है चलो दिमाग में यार। हाँ कुछ पॉइंट बोल रहे थे सर, फर्स्ट वाला सेम रहेगा, सेम रहेगा, नहीं रहेगा, लॉजिक नहीं, ये तो बड़ी डिस्पिरेशन वाला आंसर हो गया, कुछ तो होगा नहीं, कुछ तो होगा ठीक है, बट थोड़ा सा लॉजिकल आंसर होगा, सोचो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, तुम भी और दोबारा सोचो, जस्ट बिकॉज यू गिवन अ सर्टेन आंसर डज नॉट नीड दैट यू स्टिक टू दैट, है ना। चलो बड़े तुम लोग भी आंसर करो, कोई आंसर आया इधर से? नहीं आया अभी तक, सेम रहेगा। अच्छा चलो इसको इस तरह से करते हैं कि इसको कर देते हैं, मतलब फर्स्ट वाला कैविटी को मैं माइनस वन लिख देता हूं और सेकेंड वाला को माइनस टू लिख देता हूं, मतलब नोटेशन है माइनस वन माइनस टू डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस स्पेशली। अब बताओ e प्लस और e माइनस टू यही होगा जो मैंने लिखा। अब एक चीज जरा लॉजिकली सोचो कि e माइनस टू का कंट्रीब्यूशन क्या हर पॉइंट पे सेम होगा, आइदर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन या इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, हो गया या नहीं होगा? यानी ये जो सेकेंड सॉरी ये जो सेकेंड वाला कैविटी बनाया इसका भी तो वहां पे कंट्रीब्यूशन होगा ना फील्ड में, तो यूनिफॉर्म कब होगा कि इन दोनों के वजह से यूनिफॉर्म आ चुका है, प्लस और माइनस वन के वजह से यूनिफॉर्म आ चुका है। अब सवाल है कि अगर मान लो माइनस टू के वजह से वहां पे कोई यूनिफॉर्म कंट्रीब्यूशन होता है हर पॉइंट पे, पहले वाले कैविटी तो क्या होगा, यूनिफॉर्म था एक और यूनिफॉर्म ऐड हुआ, तो यानी यूनिफॉर्म प्लस यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर मान लो सेकेंड वाले कैविटी का वहां पे हर पॉइंट पे अगर कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा तो क्या होगा, पहले दोनों के वजह से यूनिफॉर्म है, थर्ड वाला नॉन यूनिफॉर्म आ गया, तो यूनिफॉर्म प्लस नॉन यूनिफॉर्म इज नॉन यूनिफॉर्म। अब लॉजिक अप्लाई करो, क्या लगता है तुम्हें? डायरेक्शन क्या लगता है? मैग्नीट्यूड अलग होगा, पर अगर मैं एक थर्ड पॉइंट लेता हूं तो ये तो डायरेक्शन भी अलग होगा और मैग्नीट्यूड भी अलग होगा। यानी जो e3 का कंट्रीब्यूशन है और अदर e-2 का कंट्रीब्यूशन है वो हर पॉइंट पे अलग होगा, यानी एक कैविटी के लिए ही ये सारा चीजें सही है, जैसे ही दूसरा कैविटी बना दोगे तो वो सारा मामला खत्म होगा। तो देन यू माइट से फिर क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होगा? e-2 की वजह से क्या वहां पे नहीं निकाल सकते इंटेंसिटी कंट्रीब्यूशन? निकाल सकते हैं, बाहर वाले पॉइंट की वजह से हम निकाल ही सकते। अब वो डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा या नहीं होगा, वो सब तो एक अलग मामला, दैट आई एम नॉट गोइंग, बट द थिंग इज दैट कैन आई फाइंड आउट, यस, इज इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट प्रोबेबली नॉट, बट विल इट बी यूनिफॉर्म, दैट्स द मेजर कंक्लूजन, द आंसर इज नो। यानी अगर तुम दो कैविटी बना दोगे तो ये सारे ही इनवैलिड हो जाएंगे, न
ना मैग्नीट्यूड सेम रहेगा हर पॉइंट पे और ना ही डायरेक्शन. अब कंक्लूजन ओके है. चलो ठीक है. नाउ वी मोर लेस कंप्लीटेड ऑल दी थिंग्स रिक्वायर्ड एज फॉर एज कैविटी एनालिसिस इज कंसर्न्ड. तो पहले हमने सिंगल कैविटी का भी कर लिया और हमने अब डबल कैविटी का भी बता दिया. ठीक है चलो ठीक है. इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है एंड दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी स्टार. देखो ये एस्पेक्ट हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था डिस्कस करना और शायद अगर याद हुआ हमने बताया था कि दैट हम तो ये अज्यूम करके चलते हैं कि सन इज अ वेरी हेवी पार्टिकल एंड देयरफॉर वी अज्यूम दैट द सन इज फिक्स्ड एट द सेंटर एंड द प्लैनेट्स आर मूविंग. बट रियलिटी ऐसे नहीं है. रियलिटी है कि सन भी एक छोटा सा रेडियस पे घूम रहा है और प्लैनेट्स तो ऑब्वियसली बहुत बड़े रेडियस पे घूम रहा है. उसका रीजन क्या है ना, जो मास का रेशियो है वो बहुत एडवर्स है. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अभी सन का जो मास है वो इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 32 केजी. और अगर एक मिड साइज प्लैनेट देखता हूं अर्थ, अर्थ इज नॉट अ स्मॉल प्लैनेट, अर्थ इज नॉट अ बिग प्लैनेट. बिग प्लैनेट बोलते जुपिटर है, स्मॉल प्लैनेट बोलते अगर प्लूटो को मानते हो तो प्लूटो है और नहीं तो मरकरी. ठीक है ना, तो ये हो गए स्मॉल प्लैनेट और अर्थ इज समवेयर द मिड प्लैनेट. तो मिड प्लैनेट अर्थ का जो मास है वो इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 24. सन का 10 to the power 32 और अर्थ का 10 to the power 24. सो द मास रेशियो इज वेरी एडवर्स. यानी सन इज एक्चुअली वेरी वेरी हेवी कंपेयर्ड टू द अदर प्लैनेट्स एक्सेप्ट फॉर जुपिटर. जुपिटर फिर भी थोड़ा बहुत कम, बट आई थिंक शायद जुपिटर का 26 या 27 का ऑर्डर. ठीक है ना, अब इतना याद नहीं रहता तो, बट एनीवे आप चेक कर सकते हो इसी ऑर्डर में. अब इसका मतलब क्या हुआ कि सन को लगभग प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम स्टेशनरी मान सकते ओके. लेकिन जरा सोचो अगर सन का मास 10 to the power 32 है और मान लो कोई और प्लैनेट नहीं है, सपोज एक ही प्लैनेट है और लेट्स से कुछ एक्सवाईजेड प्लैनेट कुछ भी जुपिटर लेवल चल और लेटेस्ट से उसका प्लैनेट मास होता है लेट्स से 10 to the power 31 का ऑर्डर, तो दैट केस क्या होता, सन भी अच्छा खासा बड़े सर्कल के रेडियस में घूमता और जुपिटर या जो भी बड़ा प्लैनेट का नाम होता वो भी अच्छा खासा रेडियस के सर्कल में घूमता. ठीक है, व्हाट इज द बेसिक आइडिया. बेसिक आइडिया है कि हम क्योंकि इसको एक क्लोज यूनिट मान रहे हैं, सिस्टम मान रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेन फिक्स्ड, नॉट द सेंटर ऑफ द सन और द सेंटर ऑफ द प्लैनेट्स. ये सोलर सिस्टम के लिए भी वैलिड है, लेकिन क्योंकि मास रेशियो के एडवर्सिटी बहुत ज्यादा हाई है इसलिए सन का जो रेडियस है वो मतलब सन जिस रेडियस पे घूम रहा है वो बहुत ही छोटा है और प्लैनेट्स बड़े-बड़े रेडियस पे घूम रहे हैं. अब हम आज बात करेंगे बाइनरी स्टार. बाइनरी स्टार में क्या है ना, जब मासेस कंपेयरेबल और दो स्टार्स. ठीक है, ऐसे कुछ कुछ बाइनरी स्टार्स जो है साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है हमारे उसमें गैलेक्सीज में कुछ कुछ अवेलेबल है. तो मैं काम करता हूं, सपोज मैं कहता हूं कि एक बाइनरी स्टार एम मास का है जो स्टार्ट विद सिंपल केस है और दूसरा भी एम मास का है और लेट अस से उनका जो रेडियस ऑफ सेपरेशन है वो है आर. तो क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ दिस बाइनरी स्टार. सो टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ दिस बाइनरी स्टार, क्या हुआ आज उधर से आंसर ही नहीं आ रहे बच्चे? हाँ थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा है उस तरफ, तो मतलब उसका बदला लोगे? हाँ नहीं, स्कूल का पर्पस एनीवे से पढ़ाई होता है, तो देखो लेट्स नॉट डिबेट ऑन दैट. स्कूल का पर्पस होता है टू बिल्ड अप ह्यूमन बीइंग पर्सनालिटी, और उसमें ये भी है दोस्ती इंपॉर्टेंट है. दोस्ती इंपॉर्टेंट है. देहब इज आस्क्ड कि बाइनरी स्टार का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. एक्चुअली देखो इट्स लाइक सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम में जैसे सन और कुछ प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स और ना वो सब घूम रहे हैं मून वगैरह, तो ऐसे ही बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, दो स्टार्स परमानेंटली एक यूनिट की तरह घूम रहे हैं और दोनों ही एक कॉमन सेंटर के अबाउट घूमेंगे, दैट्स द थिंग. आई मीन तो इसमें तो सिमेट्री है, इसलिए अगर ये आर आर है सेपरेशन अभी, तो इन दैट केस इसका जो सेंटर है वो है आर बाई टू. तो इसी के अबाउट देखना दोनों घूमेंगे इस तरीके से
so they will always lie diametrically opposite to each other. इस तरीके से घूमेंगे. तो इसका actual radius हो गया r by 2 और इसका जो velocity होगा वो है suppose v. तो in that case क्या हो जाएगा? ना m v square by r by 2. तो m v square by r by 2 is equal to g m square by r square. ठीक है? तो इससे क्या होगा ना v आ गया एक r cancel होगा और r by 2 का 2 इधर चला जाएगा तो यहाँ root of g m by ठीक है. तो ये हो जाएगा इसका ऑर्बिटल स्पीड. अच्छा इस बार सिमेट्री होने के कारण मैं एक दो चीज और बता सकता हूं. नंबर वन इज दैट जो वेलोसिटी उसका होगा वही वेलोसिटी इसका भी होगा. इसी तरीके से एक हिस्ट्री है कि ग्राहम बेल का ना मदर वाज डेड मतलब शी कुड नॉट हियर. ठीक है और फिर उन्होंने जान बूझ के सर्च फॉर अ डेफ गर्ल कि मुझे शादी उससे करना और मैं ऑडियो ऑडियो पे रिसर्च करूंगा मैं कोशिश करूंगा कि शायद कुछ हेल्प कर पाए ऑल दोस थिंग्स और उसी रिसर्च का प्रोडक्ट है टेलीफोन. ठीक है तो दो इट्स नॉट सो कनेक्टेड अभी तो टेलीफोन से तो ऐसा नहीं हुआ कि जो डेफ पर्सन है वो सुनाई देगा. लेकिन कई बार होता है ना कि तुम कुछ और रिसर्च करते हो कुछ और आउटपुट आ जाता है या नहीं. जैसे मैं एक और एग्जांपल बोलता हूं बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन अगेन इज दैट तुम लोगों ने जयपुर फूड का नाम सुना हो? नो सर. जयपुर फूड नहीं सुना? जयपुर फ्रूट नहीं फूट एफ डब्ल्यू टी पैर पैर. अब सुनो इसका इतिहास. सुनो इसका इतिहास ये है कि इसरो और डीआरडीओ मिलके एक प्रोजेक्ट कर रहे थे कि ये जो रॉकेट्स हम लोग लॉन्च करते हैं इसमें इंसुलेशन शील्ड में बहुत प्रॉब्लम आता है और ये जो जो कर्नल से वो जो गर्ल थी ना जो डेथ हो गए थे नासा के इसमें कल्पना चावला. ठीक है ना तो शी आल्सो डाइड बिकॉज़ ऑफ द सेम रीजन. नासा का रिलीज किया हुआ रॉकेट में वो शी वाज देयर एस्ट्रोनॉट के फॉर्म एंड यू नो द शील्ड देखो कई लोगों के बर्थ डिफेक्ट से होता है जैसे पैर छोटा हो जाता है. सर वेटिंग चेक कर लीजिए. नहीं नहीं तो क्या करते हैं वो ना वो एक डमी फुट काइंड ऑफ बना के उस पे लगाते हैं विद सम जॉइंट्स और जो भी है और काफी हद तक चलने में जो है मदद करते हैं. प्लस जितने भी सोल्जर्स लैंडमाइन इंजरीज गोली वोली सब ये सब करके एक्टिवेट करना पड़ता है उनको भी फीट को एकदम बिल्कुल मिला के. अच्छा उसमें कई सारे दिक्कत है जो बॉडी का पार्ट है जैसा मान लो तो उसमें कर्व्स होंगे यानी ऐसे मटेरियल भी होना चाहिए जो थोड़ा सॉफ्ट भी हो नहीं तो कर्व्स में अगर वो फिट करोगे उस पैर को या जो भी फिट कर रहे हो तो वो तो अड़ेगा और फिर बार बार दर्द करेगा. यानी सॉफ्ट भी होना चाहिए लेकिन अगर ज्यादा सॉफ्ट होगा तो दब जाएगा क्रश हो जाएगा शेप बिगड़ जाएगा. यानी उसके अंदर एक लोकलाइज सॉफ्टनेस होना चाहिए बाउंड्री पे लेकिन मोटा मोटा से जो है ना वो हार्ड भी होना चाहिए. अभी बड़ा इंटरेस्टिंग उल्टा कॉन्ट्रेडिक्शन. ठीक है ना यानी दर्द भी ना करे और सॉफ्ट भी ना बहुत ज्यादा कि पता चला शेप भी बिगड़ रहे. तो ये उन्होंने डिस्कवर किया मटेरियल व्हिच हैड दिस ड्यूअल काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी. ठीक है एंड टुडे दुनिया में जितने भी एम्पुटेशंस होता है दे मोस्टली यूज जयपुर फूड मटेरियल. जबकि उसका इंटेंशन थोड़ी कि जयपुर फूड मटेरियल बनाने के लिए होता रिसर्च. रिसर्च चल रहा था रॉकेट के शील्ड बनाने के बाय चांस मटेरियल ऐसे बन गया जो कि आज के दिन में जो है इज बीइंग यूज्ड बाय ऑलमोस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड वेयर एवर एम्पुटेशन इज डन एंड नकली फीट डालते हैं. ठीक है
ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं। चलो खरे में हाँ मैं वाइटल स्टार की बात कर रहा था, तो ये हो गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ना हमारा तो इंटेंसिटी था टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होगा, सिंपल सा हो गया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r / 2 / 2 अपॉन वेलोसिटी एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ gm / 2 r, यानी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब / gm। तो खैर आएगा ही, द ओनली थिंग इज दैट इसका फैक्टर क्या आएगा। हां तो आई थिंक सेट 2 आ रहा है ना, am I right? नहीं वो एक्चुअली ये वाला 2 भी है, ये नीचे आएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 स्क्वायर अंदर आएगा ना, ये रूट के अंदर, ये हो गया r क्यूब / 2 g। लेकिन ये ना थोड़ा स्पेशलाइज था, क्यों, क्योंकि इसमें तो यू टेक एन इक्वल मास, इन जनरल तो ऐसा नहीं होगा है ना, इसलिए काम करते हैं इसको अपन अब करेंगे जनरलाइज, इसको हम करेंगे जनरल। तो यानी m1 m2 और सेपरेशन r, ठीक है, और जो भी होगा यू टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ दिस काइंड ऑफ इंटरवल। अब जो स्टार्स है ये भी बाइनरी स्टार है, लेकिन सिमेट्री खत्म हो गया, इसलिए अब थोड़ा जो है मतलब मुझे फ्रेशली वर्कआउट करना पड़ेगा नए तरीके से। तो फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ दिस बाइनरी स्टार सिस्टम। इसमें एक आधा क्वेश्चन भी आया हुआ है। अच्छा वेटिंग रूम, वेटिंग रूम में, ओ अच्छा ठीक है, थैंक यू ध्रुव। ओके पिछले क्वेश्चन का आंसर तो खैर दिए हैं एक दो जने और सब लोगों ने करेक्ट दिया है, 8/2 r क्यूब / gm, नहीं 2 r क्यूब / gm तो खैर नहीं आया था। अच्छा हां ठीक है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअली ना कुछ लोगों ने 2 को अंदर कर दिया, तो सॉरी। चलो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल सही बोला, यानी ये अपने कॉमन सेंटर मास के अबाउट रोटेट, यानी मैं काम करता हूं, मैं सेंटर मास को ले लेता हूं r1, तो इस वाले पे, इस वाले से r1 डिस्टेंस, उस वाले से ऑब्वियसली r2 डिस्टेंस, तो किसी एक को लेना तो मैं इसी को ले रहा हूं और इसका वेलोसिटी को मैं ले लेता हूं v1, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ये ना अपने सेंटर पे चलेंगे और ये अपने सेंटर पे चलेंगे, यानी इस बार दो अलग अलग सेंटर्स पे चलेंगे, ठीक है, तो एक ऐसे और ऐसे, एक छोटा रेडियस एक बड़ा रेडियस। अब नाउ यू माइट सी कि वो छोटा बड़ा कैसे डिसाइड होगा, तो ऑब्वियसली बाय मास। तो जैसे अगर इस केस में जो मैंने डायग्राम बनाया इससे क्या पता चल रहा है कौन सा हेवी पार्टिकल m1 या m2, ऑब्वियसली m1, क्योंकि m1 कम रेडियस पे घूम रहा और जो हल्का है वो बड़े रेडियस पे घूम रहा है, सो सिंपल। यानी m1 v1 स्क्वायर / r1 इज इक्वल टू gm1 m2 / r स्क्वायर, ठीक है, इससे क्या होगा v1 आ गया, यानी v1 आ गया इक्वल टू एक तो m1 कैंसिल हो जाएगा तो m2 अंडर रूट ऑफ g m2 / r स्क्वायर और एक r1 इधर आ गया, v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g m2 / r स्क्वायर इनटू r1। वो अलग बात है कि r1 को मैं r2 r के टर्म्स में लिखूंगा बाद में, बट अभी फिलहाल तो इतना ही लिखता हूं। फिर उसके बाद आ जाता है टाइम पीरियड पे, तो टाइम पीरियड अब फिर से नए तरह से लिखना पड़ेगा, तो सो द टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई r1 / v1, यानी 2 पाई r1 / v1, v1 मतलब हो गया √ ऑफ g m2 r1 / r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई √ ऑफ r स्क्वायर r1 / g m, ठीक है। अब हम यहां पे r1 के जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो r1 कितना होगा ना, इजंट r1 इक्वल टू क्या आएगा, सेंटर मास का लोकेशन m2 r / m1, बिल्कुल, यानी क्या होगा m2 r / m1 plus m2। तो अगर मैं उसको यहां पे पुट करता हूं तो एक तो ये हो जाएगा g m2 by r square into r1 के जगह लिखेंगे m2 r / m1 plus m2, तो एक r कैंसिल हो जाएगा
और एक m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी m2 स्क्वायर बाय r into m1 plus m, या ठीक है। और जहां तक टाइम पीरियड की बात है, टाइम पीरियड में जरा 2 पाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर तो रहने दो, r1 हो गया m2 r by this, यानी m2 r by g into m1 plus m2, that's it, r2 square r1 by, अच्छा एक m2 भी आएगा, is equal to 2 pi under root of r cube upon g into, whether calculation check करो, that's the next calculation. ठीक है, सो दैट इज अबाउट योर बाइनरी स्टार, फाइन। अब हम एक लास्ट कंसेप्ट करेंगे, इसका थोड़ा हेडिंग अलग टाइप का है, तो मैं हेडिंग बाद में डालता हूं, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। दैट इज सपोज एक हेवी पार्टिकल, वेरी हेवी पार्टिकल, ठीक है, ऑफ मास कैपिटल है, मतलब वेरी लार्ज, यानी मैं हिंट दे रहा हूं कि अगर मान लो यहां से कोई पार्टिकल को रिलीज करो स्मॉल एम मास एट सम डिस्टेंस लेट्स से आर, इन दैट केस क्या होगा ना, ये पार्टिकल तो खैर मूव करेंगे और ये पार्टिकल को हम लगभग स्टेशनरी मान सकते, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि इस केस में वेरी लार्ज, यानी एम वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू स्मॉल। क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लो ये हैवी है, मतलब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, बट इनफाइनाइट नहीं, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट कंपेयर टू स्मॉल, स्मॉल एम को रिलीज कर दे तो स्मॉल एम यहां पे आके कोलाइड करेगा, तो क्वेश्चन इज फाइंड टाइम टेकन फॉर कोलिजन ऑफ स्मॉल एम ऑन कैपिटल एम। मैं ही मान के चल रहा हूं कि स्मॉल एम जो है, सॉरी कैपिटल एम जो है प्रैक्टिकली एट रेस्ट, सो कैपिटल एम इज प्रैक्टिकली एट रेस्ट, देहम से इसकी प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आई लॉस्ट कनेक्शन, ओह मैंने तो मिटाई दिया, वैसे आई थिंक जो मैंने लास्ट में वर्कआउट किया था दैट वाज प्रीटी इजी, है ना, आई होप यू नोटेड इट डाउन, अगर उसमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछो, क्योंकि कई बार ना इधर ध्यान नहीं जाता तो फिर वो छूट जाता है, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है देहम तो पूछ लो, ठीक है ना। और निकालना है फाइंड द टाइम टेकन फॉर कोलिजन ऑफ स्मॉल एम ऑन कैपिटल एम, मैंने बिटवीन इसलिए नहीं लिखी, एक तो रेस्ट में तो वही जाके कोलाइड कर रहा है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एम इज प्रैक्टिकली एट रेस्ट, मैं वो मान के चल। अच्छा एक्सेलरेशन नहीं, ऐसे करता हूं एनर्जी कंजर्व करके वेलोसिटी निकाल रहा हूं, और फिर वेलोसिटी को लिखा होगा रिलीज कर दिया, हमने तो वेलोसिटी नहीं दिया, ऑर्बिट ऑर्बिट कब होता है जब कुछ रेडियस के साथ परपेंडिकुलर एक कॉम्पोनेंट तब ऑर्बिट वगैरह किस तरीके से जाता है, बट अगर मान लो एक हेवी पार्टिकल और एक को जस्ट रिलीज कर दे तब तो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, और रियलिटी में क्या होगा ना, ये भी आएंगे वो भी जाएंगे, बट मैंने उसको थोड़ा सा एक तरफ में कर दिया कि भाई एक बहुत हेवी है तो चलो उसको तुम स्टेशनरी मान लो, है ना, और लाइट वाला नहीं ट्रैवल कर रहा है, समझ लो।
मैं जो इस क्वेश्चन के थ्रू इंट्रोड्यूस करने वाला हूं कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज फ्लैटेंड एलिप्स. ठीक है ना. अब फ्लैटेंड एलिप्स का क्या कंसेप्ट है ना, देखो अगर मान लो एज आई वाज जस्ट सेइंग अ फ्यू सेकंड्स बैक कि अगर मान लो इस रेडियस के मतलब जो लाइन जॉइनिंग द टू है इसके परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट देता हूं तो दैट केस वो ऑर्बिट पे जाएगा. ठीक है. अब मान लो मैंने कुछ वेलोसिटी ऐसे दिया तो एक तो इधर लेके जा रहा है तो यानी वो तो टुवर्ड्स द कैपिटल एम और एक परपेंडिकुलर. तो ऐसे केस में क्या होगा ना, ऑर्बिट होगा. तो ऑर्बिट कैसे होगा उसका सारा डिटेल मैंने कल दिया था, वो वाली बात एक अनफॉर्चुनेटली प्रूव मैं नहीं कर सकता इस वक्त बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है. तो मैंने बताया था कि अगर अंडर रूट ऑफ है ना वो 2gm by r से नीचे होता है तो that case ellipse होगा, circle होगा, वगैरह parabola, hyperbola सब. अब जरा सोचो, suppose ना ना think a little carefully, suppose मैं कहता हूँ कि ठीक है velocity तो चलो जो भी है, suppose मैं दोनों के component reduce करता है, suppose तो क्या होगा ना. देखो अगर तुम under root of gm by r दोगे तो circle बनेगा. ठीक है. अब एक सवाल का थोड़ा सोच समझ के जवाब दे. कल मैंने बोला था कि ये भी एक कांसेप्ट है बट शायद कल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था. दैट इज सपोज मैंने यहां पे दिया वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब ये छोड़ दो है ही वेलोसिटी v इज इक्वल सपोज इक्वल टू gm / r तो ये हो गया सर्कल. अगर वेलोसिटी लेस देन अंडर रूट ऑफ gm / r है तो क्या होगा एलिप्स. और अगर वेलोसिटी लेस देन 2gm / r है लेकिन ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ gm / r है तो भी एलिप्स होगा. और ये तो सर्कल ये भी एक्चुअली एलिप्स ही है स्पेशल केस. इन दोनों एलिप्स में क्या फर्क है वो होगा. सपोज मैंने इस r के परपेंडिकुलर लॉन्च किया, एंगल वाला छोड़ दो, सपोज मैंने इस r के परपेंडिकुलर लॉन्च किया है कुछ वेलोसिटी से तो एक बार ये वेलोसिटी एक बार ये वेलोसिटी तो दैट केस ये बताओ कि इस एलिप्स में और इस एलिप्स में क्या अंतर है और ऐसे दो अलग अलग रेंज क्यों हों, मतलब कि इसमें भी एलिप्स आ रहा है उसमें भी एलिप्स आ रहा है तो सेम तो नहीं हो सकता कुछ तो अलग है. हाँ यानी क्या हो रहा है कि अगर ये होगा तो इन दैट केस पॉइंट पी एलिप्स इसमें क्या होगा पी इज द पेरिजी या तो जी नहीं दोनों में से एक होगा एपोजी. ठीक है ना, पी इज द एपोजी. क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने वेलोसिटी क्या किया कम दिया, सॉरी क्या किया कम दिया ना, तो यानी यहां पे जितना वेलोसिटी चाहिए उससे कम दिया और रेडियस ज्यादा दिया है ना. तो दूसरे पॉइंट पे क्या होगा ना, यहां पे वेलोसिटी कम रेडियस ज्यादा तो दूसरे पॉइंट पे क्या होगा वेलोसिटी ज्यादा रेडियस कम. यही दो पॉइंट में रिलेशन होता है, पेरिजी में वेलोसिटी ज्यादा रेडियस कम और एपोजी में वेलोसिटी कम रेडियस ज्यादा. तो यहां पे वेलोसिटी कम वाला केस है क्योंकि यहां का जो एक्चुअल वेलोसिटी होना चाहिए था सर्कल के लिए वो है ये वाला, पर मैंने कम वेलोसिटी दी इसके रेडियस के कंपैरिजन में तो देयरफॉर ज्यादा वेलोसिटी वाला वो वाला पॉइंट होगा वो पेरिजी हो जाएगा या एपोजी, यानी पी हो जाएगा इन दैट केस एपोजी. बस आई थिंक नाउ इट्स ओके कि यहां पे ये जो वेलोसिटी मैंने दिया ना ये देखो अंडर रूट ऑफ जीएम बाय आर से ज्यादा, यानी जहां पे सर्कल का जितना सर्कल के लिए चाहिए उससे ज्यादा दिया तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा रेडियस कम होगा और दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी कम रेडियस ज्यादा होगा तो यानी क्या होगा पेरिजी होगा. तो ऐसे केस में क्या होगा ना पॉइंट पी विल बिकम पेरिजी. अब सुनो लास्ट एंड दैट इज सपोज अगर मैं वेलोसिटी नहीं दिया या चलो एक काम करो सपोज मैंने इस वाले रेंज पे हूं मैं और मैं वेलोसिटी को जीएम बाय आर से कम करना शुरू करता हूं तो क्या होगा, जब तुम जीएम बाय आर दोगे तो सर्कल, जीएम बाय आर से कम दोगे तो इन दैट केस क्या ऐसे हो जाएगा वह और कम करो और कम करो तो ये क्या हो रहा है, दिस व्हाट इज कॉल्ड एज फ्लैटेंड एलिप्स. यानी क्योंकि एलिप्स फ्लैटेंड होता था और वेलोसिटी कम करो तो देखना ऐसे हो जाएगा. यानी क्या होगा हर बार क्या हो रहा है, देखो दो चेंजेस हो रहे हैं. नंबर वन इज दैट एक तो इसका क्या बोलते हैं माइनर एक्सिस कम होता जा रहा है ना और ये जो मेजर एक्सिस का साइज है वो भी देखो कम होता जा रहा है और वो बिल्कुल प्लेनेट के एकदम पास से गुजरने लगा.
तो जरा इसको सोचो कि अगर मैं जीरो करते मतलब इसको कम करते करते जीरो कर दू, ठीक है ना, अगर मैं कम करते करते जीरो कर दूं दैट केस क्या होगा, मैं ये समझ लो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे करके और प्लैनेट के ही यहां से ऐसे आके, isn't it similar to what I'm asking? तो यानी इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बदल दिया, मैं कहूं इसको भी एक ऑर्बिट की तरह समझो, इसको भी एक ऑर्बिट की तरह समझो, बट द ऑर्बिट हैज टोटली फ्लैटेंड डाउन। तो फायदा क्या होगा, मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मैं क्या करूंगा सीधा टाइम पीरियड निकाल दूंगा, सॉरी टाइम निकाल दूंगा या टाइम पीरियड निकाल दूंगा 2π√r³/gm। अब इसमें r³ क्या लिखोगे, r by 2, क्यों, क्योंकि अगर इससे बिगिनिंग करते हो और बिल्कुल यहां से चिपक के अगर साथ में चला गया तो यानी ये हो जाएगा मेजर एक्सिस, ठीक है, हमें तो सेम मेजर एक्सिस चाहिए होता है, यानी क्या हो जाएगा ना ऐसे केस में मेजर एक्सिस हो जाएगा r और सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा r by 2, तो देयरफॉर हमें यहां पे सेमी मेजर एक्सिस पुट करना होता है, तो मैं पुट करूंगा r by 2 होल क्यूब। बड़ा भी रुको, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ना था ये था कि वो जाके कोलाइड कब करेगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा इस टाइम पीरियड को हाफ कर दूंगा, समझ में आ गया, ठीक है, चलो दैट्स राइट, ये भी लास्ट था, सो t विल बी इक्वल टू t / 2 यानी pi into under top r cube by 8 g, और अगर 2 pi को मेंटेन करना चाहते हो तो दैट केस थोड़ा सा और कर लेना 32 कर लेना, आई थिंक इट्स ओके। देन टाइम टेकन फॉर कोलिजन क्या आ गया, r cube by इंटीग्रेशन से बेटे इसका इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये ना इसमें पता दिक्कत क्या आ जाता है, यहां पे ना जब एकदम जीरो के आसपास आ जाता है तो वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाती है, तो जब तुम इंटीग्रेशन करते हो ना और कोई टर्म चाहे शुरू में हो चाहे बीच में हो चाहे एंड में इनफाइनाइट की तरफ जाता है तो वो इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, फिर उस इंटीग्रेशन को लेके लिमिट्स लेना पड़ेगा, दैट विल एक्चुअली डेवलप योर वर्क व्हिच इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स थिंग, ठीक है ना। तो फ्लैटेंड इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट से जो है हम लोग निकाल सकते हैं कि टाइम पीरियड क्या आएगा, और सिर्फ वही नहीं, अगर मान लो ये वेलोसिटी कुछ दिया भी होता, कुछ वेलोसिटी दिया होता तो हम फिर वो एंगुलर मोमेंटम और वो सब करके जैसे हम निकल के आता तो सब निकाल लेते, तो उससे भी टाइम आ जाता, पर वो फिर कोलिजन का नहीं होता, वो होता ऑर्बिटल टाइम, ठीक है, अभी हमने जो निकाला हुआ है कोलिजन का टाइम पीरियड। अरियंत हैज आस्क्ड कि मेजर एंड माइनर एक्सिस, सिर्फ तुमने बेटे ये कमेंट लिखा, आई डोंट नो क्या कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, बट मैं समझ तो रहा हूँ कि क्या सोच के लिखा होगा, तो चलो नहीं, तो मेजर एंड माइनर एक्सिस इसी में आ गया, मतलब एक तो माइनर एक्सिस के इसमें जीरो आ गया, ठीक है ना, और मेजर एक्सिस क्या हो गया ना, इनका जो सेपरेशन है वही हो जाएगा, इनिशियल सेपरेशन है वही हो जाएगा मेजर एक्सिस, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, वैसे दो चार मिनट बचा है तो थोड़ा सा उसमें गपशप करते हैं, ठीक है। अच्छा आर्यन ने बोला है कि वो मैंने तब लिखा था जब आपने पूछा था कि दोनों एलिप्स में क्या फर्क है, ठीक, आई थिंक द कमेंट इज राइट। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, अच्छा नहीं सॉरी, कल हम लोग नया चैप्टर करेंगे, अभी मैं